यूनिट है और वो कोई अकेले हरियाणा और पंजाब का मामला नहीं है, का मामला उनका होता तो स्टेट गवर्नमेंट से होता, ये तो भारत सरकार से और पूरे देश के किसानों का मामला है। ये लड़ाई पूरे देश के किसानों की है, नहीं कि पंजाब और हरियाणा की। आज प्रोफेसर किसानों की जो भीड़ थी बहुत कम थी, क्या उसकी वजह थी? नहीं नहीं, भीड़ तो कल सुना है, कहा है इनको सब बजे गाँव में लोग हैं, वे तो तैयारी कर रहे हैं कि कूच करा जाए, हमको कहाँ कहाँ शामिल होना है, तो लोग तैयार हैं सब। तो क्या दिल्ली जाने की तैयारी है? हाँ करेंगे कुछ ना कुछ, अभी दो बजे तक वो करेंगे, क्या होगा अभी दो बजे बताएं। देखने में मिला प्रोटेस्ट में जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो बाहर रखी गई आपकी तरफ? रखी गई, शादी है, आपातकालीन सेवाएं हैं, स्कूल है, स्टूडेंट है, इसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। हमने कोई रास्ते जाम नहीं कर रखे, ना हमारा रास्ता करने का कोई मकसद है। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा किसानों के साथ जो दिल्ली पुलिस है, केंद्र सरकार है, लगातार पानी बरसा रही है सर्दी में, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वो पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार बर्खास्त होनी चाहिए इसमें, और जो व्यवहार किसानों के साथ में कर रखा है उसमें से अच्छी है, और भारत सरकार से है न कि हरियाणा सरकार से, और इसके खिलाफ पूर्ण रूप से कठोर कदम सरकारों को उठाना चाहिए। बिल में ये जो MSP है, MSP की खरीद की गारंटी सरकार, उसके नीचे खरीदना बड़ा सवाल पूरे देश के किसानों का है। किसानों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं पराली में, वो तो होगा, पराली का ये तो मामले हैं, ये तो चलते रहेंगे। पुराना ट्रैक्टर है उसको बंद करने की उड़ान है, तो ये तो एक बड़ी सरकारों की चल रही है। तो प्रोटेस्ट ये क्या है, अनिश्चितकाल चलेगा क्योंकि चल रहा है, तो देश का किसान सड़कों पे है, तो ये तो चला।